फ्रेंड्स, मैं हूँ दीप्ति और आप सभी का स्वागत है मेरी किचन में। गर्मी का मौसम है और गर्मी जो है वो बहुत ही ज्यादा हो रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज की रेसिपी कुछ ऐसी हो जिससे आपको थोड़ी ठंडक मिले। तो आज की जो रेसिपी है वो है नींबू शिकंजी। बहुत ही आसान रेसिपी है बट थोड़ा सा सुकून देने वाली है। तो यहाँ पर मैंने एक जग ले लिया हुआ है और उसमें डालेंगे हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी। तो 4 से 5 चम्मच हम यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैं 2 गिलास शिकंजी बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर 4 से 5 चम्मच चीनी डालूंगी। और साथ में ही पहले हम इसमें डालेंगे नॉर्मल टेम्परेचर पे लिया हुआ पानी। ठंडा पानी हमें यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर हम ठंडा पानी यूज़ करेंगे तो चीनी जो है वो घुलने में टाइम लेगी। तो इस तरीके से हम इसमें पानी डाल देंगे और चीनी को जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे। तो इस तरीके से स्पून की हेल्प से हम इसे अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे। तो चीनी जो है वो हमारी घुल रही है। तो यहाँ पर मैंने लिए हुए हैं तुलसी के बीज, जिसको मैंने अच्छे से भिगो के रखा हुआ था। 1 घंटे पहले हम इसको भिगो के रख देंगे तो ये बहुत ही अच्छे से फूल जाएंगे। इसे हम शिकंजी में इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमें बहुत ही अच्छी ठंडक देते हैं। तो इसे हम डाल देंगे, 1 से 1.5 टीस्पून मैंने लिया हुआ था तुलसी का बीज, तो उसे हमने इसमें डाल दिया हुआ है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 4 से 5 आइस क्यूब, डालेंगे 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर, इसे हम डाल देंगे। और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून भुने जीरे का पाउडर है ये, उसे हम इसमें डाल देंगे। और डालेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग ब्लैक सॉल्ट और थोड़ा सा हम लिटिल बट थोड़ा सा लेंगे हम व्हाइट सॉल्ट। इन सभी चीजों को पहले हम मिक्स कर देंगे। और उसके बाद हम डालेंगे, यहाँ पर मैंने लिए हुए हैं 2 नींबू के रस, जिसको मैंने निचोड़ के रखा हुआ है। बीज जो है हमें बिल्कुल रिमूव कर देना है। अगर बीज सहे तो आप इसमें डाल देंगे तो शिकंजी जो है वो हमारी कड़वी हो जाएगी, तो उसका टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं आएगा। इसलिए जब भी डालें जब इसका हम बीज अलग कर लें, इसे हम डाल देंगे। अच्छा, इस स्टेज पे हम इसमें नींबू पुदीने के पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुदीने का पत्ता जो है वो बहुत ही अच्छी ठंडक देता है और बहुत ही बढ़िया रहता है। इस टाइम मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ, बट आपके पास हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। हाँ, पुदीने के पत्तों को तोड़ लेना है और हाथ से इस तरीके से तोड़ के ही इसमें डालना है। चाकू से काट के मत डालिए, वो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिए हुए हैं 1 से 1.5 नींबू, जिसके मैंने इस तरीके से क्यूब काट के रखे हुए हैं। इसे हम इसमें डाल देंगे, सीड्स हटा लिए हैं, डाल देते हैं। और सारी चीज़ें मैं इसमें डाल चुकी हूँ, तो चलिए अब हम इसे मिक्स कर देते हैं। तो ये जो है ये बनके तैयार हो गई है हमारी नींबू शिकंजी। तो मैं थोड़ा सा टेस्ट करके पहले देख लेती हूँ कि ये कैसी बनी हुई है, उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया बनी हुई है। तो चलिए हम एक इसे सर्विंग ग्लास में निकाल लेते हैं। हाँ अच्छा, मैं ये बताने तो भूल ही गई कि शिकंजी को शिकंजी क्यों बोलते हैं। शिकंजी को जो है शिकंजी इसलिए बोलते हैं कि जो नींबू है, नींबू को निचोड़ने के लिए हम जिस शिकंजी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इस तरीके से रख के जो दबाने वाला शिकंजा आता है, मेरे पास नहीं है अदरवाइज मैं दिखाती हूँ आपको, तो वो उससे जो दबा के जो नींबू निकाला जाता है ना, नींबू का रस, तो उस शिकंजे की ही वजह से इस नींबू को हम नींबू शिकंजी बोलते हैं। तो ये कहानी थी इसकी। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक गिलास लिया हुआ है और इसमें डालेंगे हम शिकंजी को। तो बढ़िया ठंडी ठंडी शिकंजी जो है वो बनके तैयार हो गई है। इसमें हम लगा देंगे एक हमारी नींबू की स्लाइस को, अच्छे से डेकोरेट कर देंगे इस तरीके से। और हाँ, एक लगा देंगे। तो ये देखिए हमारी गर्मियों का बहुत ही बढ़िया ठंडा ठंडा शरबत जो है वो बनके तैयार हो गया है। Nice. आप इस रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राई करिएगा। वैसे तो आप ट्राई करते होंगे, बट एक बार मेरे तरीके से ट्राई करके देखिएगा। होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है ये रेसिपी। तो मिलती हूँ ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, मीन्स दीप्ति राजपूत किचन के साथ। देखते रहिए मेरे और भी बहुत सारे वीडियोज़ जो कि मेरे चैनल पर हैं। तो तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।